हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड मलाई कुल्फी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कुल्फी बनके तैयार होगी। इसका जो टेक्सचर आएगा वो एकदम परफेक्ट होगा, बिल्कुल बाजार की कुल्फी के जैसा। इसे आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। इसे हम ब्रेड से बनाने वाले हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात यह कि बहुत ही फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक साथ आप बहुत सारी कुल्फी बना के रख सकते हैं और जब भी आपका मीठा और ठंडा खाने का मन हो तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए 3 ब्रेड स्लाइसेस। तो ये मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके कॉर्नर्स को काट कर हम अलग कर देंगे क्योंकि अगर कॉर्नर्स के साथ हम ब्रेड कुल्फी बनाएंगे तो जो हमारी कुल्फी है उसका कलर एकदम वाइट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। तो कॉर्नर्स को हम अलग कर देते हैं। आप चाहे तो इन कॉर्नर्स को ग्राइंड करके बाद में आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस को रफली काट लेंगे ताकि ये इजिली ग्राइंड हो जाए। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक पैन में डाल देंगे 2 कप दूध। तो ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। जब तक दूध गर्म होता है, इसमें बॉईल आता है, तब तक हम बाकी की चीजें तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 1/2 कप दूध। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो मिल्क पाउडर है वो हमें ठंडे दूध में ही मिलाना है क्योंकि अगर हम इसको सीधा गर्म दूध में डालते हैं तो इसके लम्प्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब जो हमारा मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो काफी बारीक होता है तो तली में बैठने लगता है, तो इससे वो जल सकता है। तो दूध को हमें लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम टू हाई रखेंगे। दूध को चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने इसमें 1/3 कप चीनी डाल दी है। मीठे को अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी ऐड की है। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। अब इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची से कुल्फी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसी के साथ जो हमने ब्रेड स्लाइसेस को पीस के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर दूध को पकाते हुए मुझे लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं, देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब हमें चाहिए कुल्फी मोल्ड्स। तो ये देखिए, इस तरीके के कुल्फी मोल्ड्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें जो हमारा दूध और ब्रेड वाला मिक्सचर है उसको इसमें डालकर रख देंगे। तो इसे ऊपर तक अच्छे से भर देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी है, एकदम पतला जो है वो मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कुल्फी जमने के लिए हमें इसे हल्का सा गाढ़ा रखना होगा। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इस तरीके के जो ये डिस्पोजल कप्स आते हैं, जो चाय के लिए कॉफी के लिए डिस्पोजल कप्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब इस पे एक ये फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि जो कुल्फी है उसके ऊपर आइस के क्रिस्टल्स ना आए। अगर हम इसको सीधा फ्रीजर में रखते हैं तो इसके ऊपर एक आइस की लेयर जम जाती है, तो उससे जो कुल्फी है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। फॉइल पेपर से हम इसको इस तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे। अब चाकू से हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से कट लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें स्टिक लगा के रखनी है। अब इस तरीके से हम एक आइसक्रीम स्टिक ले लेंगे और उसको इसमें डालकर रख देंगे। तो इसे हमें फ्रीज करने से पहले ही लगा देना है। अब हम इसे 8 से 10 घंटे तक फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। 8 घंटे के बाद ये देखिए, जो हमारी कुल्फी है वो जम के तैयार है। अब हम इसका ये फॉइल पेपर निकाल देंगे
और फिर हाथ में इसको इस तरीके से हल्का सा घुमा लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब चाहें तो इसको एक बार नॉर्मल पानी में डिप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी आसानी से निकल गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है, कितनी टेस्टी दिख रही है ये कुल्फी। ये देखने में जितनी टेस्टी है खाने में उससे भी ज्यादा डिलीशियस है। इसी तरीके से हम सारी कुल्फी को इस तरीके से निकाल लेंगे। आप चाहें तो एक साथ खूब सारी कुल्फी इस तरीके से जमा के रख सकते हैं और एक या दो जो भी आप अपनी जरूरत अनुसार जब आप खाना चाहें तो आप लेके खा सकते हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे और इसे गार्निश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट दिख रही है ये। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं है, कितनी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली एकदम परफेक्ट कुल्फी बनके तैयार हुई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।